सर जो पानी गंदा भी आता है कम फोर्स में आता है उसके लिए क्या करेंगे? तो मैं वही बोला ना, जो फोर्स अभी कैसा होता है, अभी वहाँ बाहर काम चालू है तो हम लोग ले रहे हैं कहाँ कहाँ पानी जाएगा, कहीं कहीं जाता है अच्छा, कहीं कहीं कम होता है, तो स्टडी करना पड़ेगा। वहाँ पर जो जनता में चर्चा है, एक हफ्ते से जो इलीगल पाइप लगाए जा रहे थे उसकी लगातार कंप्लेन की भी जा रही थी, और यहाँ पर रोड बनने का काम शुरू भी हो गया है, रोड सीमेंट भी लग गई है, लेकिन अंदर कई इलीगल पाइप है, उस पर किस तरह से कार्रवाई होगी? देखो एक बात बताऊँ मैं, यहाँ रोड का काम चालू है, आप बाजू में आप अभी कैमरा शूटिंग कर रहे थे, बीएमसी वाले इलीगल काट रहे, हम लोग इलीगल के साथ में नहीं, ऑफिशियल रोड बन जाएगा, इसके बाद लोग यहाँ पर रोड पे भी गाड़ियाँ खड़ी करते हैं, आने जाने की जो जगह है काफ़ी इंक्रोचमेंट कर देता है, तो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ बच्चों को स्कूल से आने जाने में तकलीफ होती है, उसके लिए आगे कैसे कदम उठाएंगे? ऐसा है कि जिन लोगों ने स्कूल खोला वो भी एक दुकान खोल के बैठे हैं, 3,000 बच्चों को स्कूल में पढ़ाते हैं, बाकी तो सभी ने ठोक लिए भाई, और कम से कम कुछ नहीं तो 500 के ऊपर कनेक्शन हो चुका है, सब सारे के सारे लीगल है? नहीं नहीं नहीं, पूरे इलीगल नहीं है, कुछ अनलीगल भी है। दर्शकों स्वागत है आपका खबर फेस टू फेस में, आप देख रहे हैं खबर फेस टू फेस यूट्यूब चैनल और मैं हूं जिशान आजमी। आइए देखते हैं आज की ताजा खबरें। दर्शकों इस मालवनी गेट नंबर 7 जोसेफ पटेल रोड पर है, जहां पर पक्का रोड बन रहा है 50 साल के बाद, यहाँ के लोगों में खुशी की लहर है, सभी लोग खुशी है, खुशी मना रहे हैं, और यहाँ के जो माजी नगर सेवक वीरेंद्र चौधरी है उनकी तारीफ कर रहे हैं। तो आइए बात करते हैं यहाँ के माजी नगर सेवक वीरेंद्र चौधरी से। सर आपका स्वागत है, यहाँ पर 50 साल के बाद पक्का रोड बन रहा है, इस बारे में हमारे दर्शकों क्या कह रहे हैं? पहली बार मैं यहाँ 2017 में जब आया था, लोगों का एक ही मांग थी पानी, हमने तो रोड तो बनाया लेकिन घर घर, अभी एक हमारे मित्र कहीं कहीं पब्लिक जो है, पब्लिक बोलती है, पब्लिक अच्छा करेगी तो अच्छा बोलती है, बुरा करेगी तो बुरा बोलती है, पब्लिक का कोई मुंह बंद नहीं कर सकता है। तो उनकी मांग थी यहाँ कि वो लोग नल के पानी को मीठा पानी बोलते थे, सब जन अपना अपना महीने का 4,000-5,000 रुपये पानी खरीद कर पीते थे, बाकी बोरिंग का भी पीते थे। तो मैंने पहली सबसे पहला पानी का काम किया, थोड़ा प्रॉब्लम है, पानी कम आ रहा है, टाइमिंग नहीं है, हमारे MLA असलम शेख जी ने वादा किया है, वो बोलते हैं वो टाइमिंग को भी चेंज करेंगे, हमारा पत्र व्यवहार हुआ है और हम लोग वो करके रहेंगे। अच्छा जो पानी गंदा भी आता है कम फोर्स में आता है उसके लिए क्या करेंगे? तो मैं वही बोला ना, जो फोर्स अभी कैसा होता है, अभी वहाँ बाहर काम चालू है तो हम लोग ले रहे हैं कहाँ कहाँ पानी जाएगा, कहीं कहीं जाता है अच्छा, कहीं कहीं कम होता है, तो स्टडी करना पड़ेगा, वो स्टडी करने के बाद में हम लोग पूरा फुल प्रेस पानी भेज देंगे, और BMC का एक कहना है 24/7 पानी दे देंगे। लेकिन अभी क्या बड़ा बड़ा आप देख रहे होगे, कब्रिस्तान के पास भी पाइप का लाइन काम चालू है, तो लोगों को कहना चाहता हूँ क्यों कोई जो काम नहीं करते ना वो इधर उधर की बातें सुन के कुछ भी बोल देते, थोड़ा लेट होएगा लेकिन बहुत अच्छा हो जाएगा। यहाँ पर जो जनता में चर्चा है, एक हफ्ते से जो इलीगल पाइप लगाए जा रहे थे उसकी लगातार कंप्लेन की भी जा रही थी, और यहाँ पर रोड बनने का काम शुरू भी हो गया है, रोड सीमेंट भी लग गई है, लेकिन अंदर कई इलीगल पाइप है, उस पर किस तरह से कार्रवाई होगी? देखो एक बात बताऊँ मैं, यहाँ रोड का काम चालू है, आप बाजू में आप अभी कैमरा शूटिंग कर रहे थे, BMC वाले इलीगल काट रहे, हम लोग इलीगल के साथ में नहीं, ऑफिशियली अपना पाइप, ऑफिशियली जो पैसा आता है वो पैसा दे के लोग लाख रुपए में पानी लेते थे, अभी ऑफिशियली जो 10-12 हज़ार रुपया जो मामूली फीस पर हम लोग नल दे रहे, इसके पहले किसी ने इतने कम दामों में पानी नहीं दिया। हमारे MLA असलम शेख जी का कहना है घर घर पानी मिलना चाहिए, हम लोग काम करके दिखाते, हमारा काम आप बीच में देखो, नगर सेवक का काम नगर सेवक करेगा, आमदार का काम आमदार करेगा, खासदार का काम खासदार करेगा। आप लास्ट टाइम में मेरा पत्र व्यवहार है, बाजू में मेरे वार्ड में मैंने एक पास किया हुआ है, मेरे पास पूरा ये है, लेकिन वहाँ के छोटे मोटे कार्यकर्ता महीने 15 दिन में पानी आते रहेगा तो भी नगर सेवक को कहेगा, चलता फिरता आदमी पर नल पास कराएगा, पाइप पास कराएगा। यहाँ पर जो खुदाई हो रही है वो निप्पल तो निकाल दिया जाएगा, काट दिया जाएगा, 100% निकाले बगैर मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं देखो मैं काम करने वाला नेता हूँ, हम असलम भाई का सिपाही हूँ,
मैं रोड पर चल के काम करने वाला हूँ, कोई गाड़ी पे घूमने वाला काम करने वाला नेता नहीं हूँ। अच्छा, उसके आगे बताया था कि 20 इलीगल पाइप दीपल जितने मारे भी देखो, लेकिन अब सीमेंट पड़ गई है, रोड बन रहा है तो कैसे जितने भी देखो जो सीमेंट पड़ गए तो लोग ज्वाइंट नहीं मारे गए, वो लोग ने निकाला हुआ है, हमको नहीं पता। देखो आप लोग यहाँ के रहवासी का कहना, उनका भी एक ये बनता है, वो भी देखना चाहिए, हम कहाँ देखेंगे, उनको भी देख रहा है जो इल्लीगल कर रहा है, सीधा 100 पे फोन मारो, पुलिस आ जाएगी उसको बंद करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। ये तो यहाँ के माजी वीरेंद्र नगर सेवक वीरेंद्र चौधरी, यहाँ की जनता इनका बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया अदा कर रही है। और जो यहाँ पर इल्लीगल पाइप लगा था उस पर भी कार्रवाई हो रही है। क्या कहना चाहेंगे, आपका नाम बताइए चाचा। शेख हसन, क्या कहना चाहेंगे, आपके घर पे आ गया पानी? पानी आ गया, अभी इंशाल्लाह आ जाएगा, पानी आ जाएगा, आ जाएगा। मैं वीरेंद्र चौधरी का बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारे पुराने, मैं 79 में ये जगह लिया था, 79 में कुछ भी नहीं था यहाँ पर, सिर्फ ये NDCC स्कूल, मेरा कंपाउंड और गोपाल का कंपाउंड, बस माशाल्लाह बहुत अच्छा काम किया इन्होंने, धन्यवाद इनका, बहुत शुक्रिया। नहीं, बहुत खुशी की बात है। हमारे एक ये दोस्त है, जरा इधर आओ आप, ये है हमारे मतलब यहाँ के वरिष्ठ साहबान मौलाना के बेटे, इनकी मौजूदगी में आज से 50 साल पहले रोड बना था रमजान अली शेख और अपना साहबान मौलाना, मैं और एक और लड़के थे, हम लोग ने मिलकर रोड बनाया था। आज 50 साल के बाद हमारे वीरेंद्र साहब ने इस रोड को ऐसा बनाया कि और 100 साल तक कुछ नहीं होएगा। रोड बनने में नहीं, ताखिर इसलिए हुई कि बहुत पाइप था इधर पे, बहुत पाइप था और बहुत मतलब क्राउड भी ज़्यादा था, इस वजह से ताखिर हुई है। मगर ये है कि देर बना, बहुत अच्छा बना है। अब तो अच्छा काम तो ही है, खुशी हो रही है आपको? इससे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि मतलब इतने सालों के बाद में एक जो ऐसा काम हो कि ये एक मजबूत और मुस्तहकम काम हुआ जी। और ये बहुत पहले होना चाहिए, लेकिन किसी वजह से ये काम रुका हुआ था, जो कुछ अड़चने आ रही थी काम में, लेकिन वो हमारे वीरेंद्र साहब ने अब जाके उस काम को जो है पूरा किया है और हमको इस चीज़ की जो है बहुत खुशी है। ये काम पहले इसलिए नहीं हुआ था 50 सालों में कि वीरेंद्र चौधरी जैसा कोई नगर सेवक आया नहीं था इधर, इसलिए 50 साल के बाद काम हुआ। ये चाचा आपका नाम बताओ और क्या कहना चाहेंगे? मौजम अली, ड्राइवर, सोशल वर्कर है और सब नेता लोग के खादिम है हम लोग। हाँ बोलिए, क्या पूछना है आपको? रोड बन रहा है, किस तरह की खुशी हो रही है? रोड देखो, जो मसला रोड का है, हर आदमी की रोज की जो सुविधा है, जो तकलीफ है, हर आदमी को जो सुकून मिलने के बाद जो राहत मिलती है, खुशी मिलती है, वो लफ्जों में जाहिर नहीं होती है। क्या बात है, क्या बात है। इसीलिए जो भी हमारे कार्यकर्ता, नगर सेवक असलम भाई, जो इनके सहयोग से जो आज पूरी मालोनी का जो काम हो रहा है वो, हाँ बोल रहा हूँ ना, तो नगर सेवक के मातहत में जो काम हो रहा है, रोड बन गया, आप लोग उसको सही से मेंटेन रखेंगे? अरे भाई साहब देखो, जो चीज़ अपने हाथ में है, जो हमारे लिए बनी है, तो वो पब्लिक का काम है, उसको देख रेख करे। वो अभी जो अपने हाथ में, अपने अंडर में जो चीज़ आती है, वो हम लोग को ही देख रेख करना है ना भाई। तो इसी हिसाब से तोड़ दिया, कौन बोलते हैं तोड़ दिया? अरे पब्लिक तो पागल भी है, पब्लिक सब कुछ जानती भी है, अनजान भी है। पब्लिक को मत बोलो, जो काम हो रहे है पब्लिक भी देख रही है सारी दुनिया, और टीवी के माध्यम देखो, आपकी टीवी के माध्यम से हम लोग बता रहे हैं जो हो रहे है, आईना आपके सामने है, हकीकत जो है वो हकीकत बता रहे हैं हम लोग। जो भी हो रहे इस वक्त, जो भी पानी से लेके, रोड से लेके, जो भी कार्यक्रम हो रहे हैं, वो बोलने लायक क्या है, वो देखने के लायक है। ये लो, ये हमारे तरफ से जो भी है, हमारे नगर सेवक का बहुत बहुत धन्यवाद, मतलब सारे चीज़ों का हम लोग अपने तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। रोड बन रहा है हमारा, बहुत हमको खुशी हो रही है, और हमारे नगर सेवक ने बहुत अच्छा काम किया है कि रोड अच्छा RCC का बनाया है, 100 साल तक कोई टेंशन नहीं रहेगा इसमें। बाकी हम लोग पब्लिक चाहे तो हम सही तरीके से रखें, हमारे हाथ में हूँ। अभी नगर सेवक ने जो काम कर दिया है वो कर दिया है, बाकी हम लोग पब्लिक चाहेंगे एकदम सही तरीके से इसको रखे, मगर पब्लिक चाहेगी तो। बाकी हमारे नगर सेवक से आदमी कोई नहीं मिला हमको, वीरेंद्र चौधरी साहब जो हमारा काम किए ये एरिया के अंदर आके, वैसा आज तक कोई काम नहीं किया है। नहीं, एक सबसे बड़ी बात ये है कि मतलब रोड से बड़ा काम हुआ है पानी का, नहीं तो यहाँ पर जो माफिया लोग थे ना, वो लोग 2,000 रुपया लोगों का गला काट काट के पानी का पैसा लेते थे। आज इन्होंने घर घर पानी पहुँचा दिया है भाई, जिसको जितना घर घर पानी पहुँचा, घर घर पानी, घर घर रोड। यहाँ के रहवासी से बात करते हैं, आपका नाम बताइए और जो रोड बन रहा है उसके बारे में क्या कहना चाहिए? मेरा नाम है अर्षद शाह,
मेरी उम्र है 50 साल, 50 साल के अंदर आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं। रही बात 50 साल के अंदर आज इस मालोनी में और इस एरिया में पब्लिक इतनी खुश है कि क्या बोलूं। क्योंकि असलम भाई ने बोला था कि भाई मैं पानी लाऊंगा, लाइट लाऊंगा, रोड बनाऊंगा, आज माशाल्लाह असलम भाई ने अपने वादा पूरा किया। और पब्लिक को समझना चाहिए कि कौन इसका हकदार है, कौन ना हकदार है। असलम भाई को वाकई में हर एक आदमी दुआ दे रहा है, हम लोग सबकी यही दुआ है, अल्लाह उनको सलामत रखे, खुश रखे, खुशहाल रहे। लाइफ टाइम मतलब प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, रोड हो गया, सॉल्व हो गया, खुशहाल। आज गाली की कीमत, आज प्रॉपर्टी की कीमत, आज असलम भाई की वजह से और वीरेंद्र भाई की वजह से माशाल्लाह इतनी बढ़ गई कि आदमी खुशहाल है। जो 10 रुपए की चीज थी आज वो 500 रुपए की हो गई, रोड बनने से, पानी आने से। जामा मस्जिद के सदर अजमल जी भी हमारे साथ, उनसे भी बात करते हैं। अजमल जी आपका स्वागत है, क्या कहना चाहेंगे? जनता काफी खुश नजर आ रही है। जनता के साथ मैं खुद यहाँ का एक जनता हूँ और बचपन से कितनी तकलीफें थी नमाजियों को, बच्चों को, स्कूल के बच्चे लोग को इतनी तकलीफ थी, नमाजियों को तकलीफ थी कि कोई नमाज़ पढ़ने के लिए अगर जाए तो पूरा कपड़ा ख़राब हो जाता था। लेकिन असलम भाई ने जो वादा किया था और वो वादे को पूरा किए, और वीरेंद्र चौधरी जो नगर सेवक थे, ये असलम भाई के आशीर्वाद से जो एरिया डेवलप कर रहा है, मैं शायद ऐसा आज तक 50 साल में नहीं हुआ जो वीरेंद्र भाई की और असलम भाई के राज में हुआ। असलम भाई ये रोड बन जाएगा, इसके बाद लोग यहाँ पर रोड पे भी गाड़ियाँ खड़ी करते हैं, आने जाने की जो जगह है काफ़ी इंक्रोचमेंट कर देता, तो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बच्चों को स्कूल से आने जाने में तकलीफ होती है, उसके लिए आगे कैसे कदम उठाएं? ऐसा है कि जिन लोगों ने स्कूल खोला वो भी एक दुकान खोल के बैठे हैं, 3,000-3,000 बच्चों को स्कूल में पढ़ाते हैं, तो ये उनका काम है कि वहाँ वॉचमैन रखें, टाइमिंग से स्कूल आपस में जितनी स्कूल है मीटिंग करें कि भाई 10 मिनट पहले तुम छोड़ो, 10 मिनट बाद हम छोड़ें। रही बात घर के बाहर जो गाड़ियाँ लगती है, मोहल्ले का काम है और जो अपने सोसाइटी के लोग हैं उनका काम है कि भाई ये गाड़ियाँ यहाँ दरवाजे पर ना खड़े, ये ना नगर सेवक कर सकते हैं, ना MLA कर सकते हैं, ना कोई पुलिस डिपार्टमेंट कर सकता है, ये हमारी जवाबदारी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बात करने के लिए। दिशा आदमी खबर फेस्टिवल मुंबई, हमारे साथ तौफीक भाई है, आइए हम उनसे बात करते हैं। तौफीक भाई आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। सेंट पॉल से लेकर जो यहाँ तक गंगाराम तक का कितने नए कनेक्शन लग गए हैं? क्या सभी के लग गए? कुछ लोग बाकी रह गए? कुछ एक आध बाकी होंगे, एक दो, बाकी तो सभी ने ठोक लिए भाई, और कम से कम कुछ नहीं तो 500 के ऊपर कनेक्शन हो चुका है। सब सारे के सारे लीगल है? नहीं नहीं नहीं, पूरे इलीगल नहीं है, कुछ अनलीगल भी है। 500 में कितने इलीगल? अब उतना तो नहीं मैं गिनती करते बैठा हूँ, लेकिन है। जिन्होंने नहीं लिया उनको कैसे आगे मिलेगा कनेक्शन? वो अब जिसने लिया आजू बाजू वाला वो उनका हेल्प करेगा, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है, आजू बाजू वाला हेल्प करेगा। हाँ, एक जमाने के बाद यहाँ की बड़ी समस्या जो थी रोड की और पानी की, वो दोनों हल होते हुए नजर आ रही है, क्या आप कह रहे हैं? नहीं नहीं, बहुत खुशी की बात है, और ये तो मतलब पहली बार ऐसा हो रहा कि अच्छा भी लग रहा है, पब्लिक चलेगी, खुश होगी। अभी ये नहीं बोलना पड़ेगा मुझे वोट दो, वोट तो वैसे ही मिल जाएगा आदमी को, काम देख के वोट मिलता है, काम का वोट है, समझे? नहीं काम, लेकिन बहुत लेट हुआ, लेट हुआ, लेकिन चलो ठीक हुआ, अच्छा हुआ, ये अच्छा काम हो रहा है, दुरुस्त है, दुरुस्त है, जो काम हुआ देर से हुआ अच्छा हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या बोले भाई, क्या बोले? दो बोलने भाई, दूसरे भाई क्या बोले यार?